जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद, वादियों ने सिर्फ तेरी बात मानी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहो पाइंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद। इज्न है तकरीब का और हुक्म है तामीर का, इज्न है तकरीब का और हुक्म है तामीर का, तूने पहला बार भारत पे किया तदबीर का, तूने पहला बार भारत पे किया तदबीर का, तू खुला ऐलान है आजादी कश्मीर का, वो नजाली में तेरी ये नौजवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहो पाइंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद। नासवानी में किया हिंदी पहलवानों को दे, नासवानी में किया हिंदी पहलवानों को दे, तू वो शाही जिससे डर के भाग उठे भारत से, तू वो शाही जिससे डर के भाग उठे भारत से, सरकार के पुकारों को दे, हिंद के जंगल में तेरी है जुबानी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहो पाइंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर के सैयद गिलानी जिंदाबाद। नौजवानों को दिया तूने वो अज़्मे बेपना, नौजवानों को दिया तूने वो अज़्मे बेपना, लर्ज़बर अंदाम जिससे हिंद की सारी सिपा, लर्ज़बर अंदाम जिससे हिंद की सारी सिपा, भाग भी सकते नहीं ये बंद है हर एक राह, आज डर की जाएगी जमुना का पानी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ही मात्रा सारी सहनवाली बस चुप करके रहो, कोई बात नहीं करेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। मीडिया वाले से गुजारिश है वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपना काम कीजिए, कोई बात नहीं। मगर यहाँ के जो लोकल हैं, पराई कर्म और डिसिप्लिन का खास ख्याल रखे। मुजाहिद साहब, इम्तियाज साहब, अवतार साहब, मोहतरम मुकरम और सईद साहब और दीगर हजरात की जिम्मेदारी है वो यहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन कायम करे। और शादी आए خطا مقد دیتے کن قسمت ناز گس کے آسن تاب روچ نتاب تسم و مکسرین یا چھوٹ کران مس یا چھوٹ کران لا تکا پھول میانی چاچو رسول یل سے داخل گسن جان تو لگائی اپنی مہربانی کرے جانتی ہوں
लोगों को
गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया गया है। 7,000 ऐसी कब्रों की निशानदेही की गई है जिनमें मालूम भी नहीं है इनमें किन लोगों को दफनाया गया है। हमारी इज्जत ही रुक गई है। आप याद करिए पवन पोस्परा से लेकर शुपियन तक कितनी खवातीन की असमतें लूटी गई हैं और किस तरह जान के लोगों को अजाब इजाब का शिकार बनाया जा रहा है। ये कुर्बानियां हमारी कौम इंशाअल्लाह से भी भूलेंगे नहीं। बताओ दोनों दोनों हाथ उठा ये कुर्बानियां हम भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं आज इस इज्तिमा में हम उन शहदा को राजअदीदत पेश करने आए हैं जो 7 सितंबर और 11 सितंबर को यहाँ सीआरपीएफ के सीआरपीएफ के हाथों शहीद हो चुके हैं। तौसीफ साहब हैं और दूसरे मोहम्मद रशीद वगैरह 4-5 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनको हम राजअदीदत पेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो मोहम्मद अफजल गुरु शहीद की शहादत के बाद उनकी शहादत उनको भी हम राजअदीदत पेश करते हैं। तो वो तिहार जेल में है और शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट के पहलू में है। इस तरह हमारे दो जवान हमारे दो रोशनी के मीनार जो तिहार जेल में दफनाए गए हैं हम उनको राजअदीदत पेश करते हैं। और उनकी शहादत के बाद जो यहाँ एहतजाज हुआ उस एहतजाज के दौरान भी जितने लोग शहीद हो चुके हैं हम उन शहीदों को राजअदीदत पेश करते हैं। हम पनन पोस्टपोरा की 53 खवातीन को भूल नहीं सकते जिनकी इज्जतें और असमतें पामाल की गई हैं 1992 में। और उसके बाद बहुत सी खवातीन बहुत सी बेटियां हमारी जिनकी असमतें लूटी गई हैं। और आसिया और नीलों पर वो तो आपके सामने उनकी कब्रें मौजूद हैं। तो उसको किस तरह मई 2009 में जब किस तरह उनको पहले असमतरी की गई और फिर उनको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और फिर ये कहा गया कि ये रंबियारा नाले में डूब गई है, इनको किसी ने कत्ल नहीं किया है। गोया ऐसे वाकयात जो वाकयात यहाँ हो रहे हैं हम अदालतों की तरफ जाते हैं लेकिन अदालतें यहाँ इंसाफ देने से कासिर है। किसी भी केस में हम मजलूमों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए ये अदालतें ये आजाद नहीं है बल्कि ये दबाव में है। और जब जो ही इनको डिक्टेशन आता है फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से या दिल्ली वालों की तरफ से वही उनके फैसले होते हैं, उनका कोई फैसला आजादाना नहीं होता है। इसलिए इन अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बल्कि हमें अपनी जुदजहद मुनज़्ज़म तरीके से पुरवकार तरीके से और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जारी रखनी है। और यकीन रखना है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा और हम इंशाअल्लाह कामयाब कामरान हो जाएंगे। 28 अक्टूबर को मुझे 7 मार्च के बाद से रिहा किया गया। 7 मार्च के बाद से 28 अक्टूबर शाम के 9:30 बजे तक मैं घर में नजरबंद रहा। इस सारे अरसे में जुमा की कोई नमाज पढ़ने नहीं दी गई, ईदैन की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। इस अरसे में इस इलीगल कंफाइनमेंट हबशी बेजा के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब 28 को वहाँ तकरीबन 3 साल के बाद पुलिस का पहरा हटाया गया और मुझे रिहा किया गया तो बहुत बहस हो रही है इस पर ईरानी को क्यों रिहा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले, कांग्रेस वाले और दूसरी जो प्रो ऑक्यूपेशन पार्टियां हैं वो सब बहुत हंगामा कर रही हैं कि भाई ईरानी को क्यों छोड़ा गया। कुछ कहते हैं इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा पहुंचाने के लिए,
वोट का बायकॉट करने के लिए और इसीलिए इनको रिहा किया गया। मैं इस अजीम इज्तिमा में इन पार्टियों को, इनके सरबराहों को कह देना चाहता हूँ कि सईद अली जीलानी को जो 2008 में भी, 2009 में भी, 2010 में भी 141 दिन, 2011 में भी, 2012 में भी और 2013 में भी हाउस अरेस्ट रखा गया, इनकी निमाजी भी नहीं पकड़ी की गई, तो आपने कुछ आवाज नहीं उठाई। और अब जो उनको लीगल अपॉइंटमेंट से आजाद किया जा रहा है तो आप के जज्बात में उबाल आ गया है। आप कह रहे हो इनको क्यों छोड़ दिया गया, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रो ऑक्यूपेशन पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई आजाद उम्मीदवार हो, चाहे नया नया बना हुआ फ्रंट हो, ये सारे जो इंतखाबात में हिस्सा दे रहे हैं और ले चुके हैं, इकतदार की कुर्सियों पर हैं, हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ये आप लोग हिंदुस्तान, आप लोग हिंदुस्तान के वफादार हो और हमें आपके इकतदार के साथ या आपकी जातियों के साथ हमें कोई बर्दाश्त नहीं है। मैं वाजे तौर बता देना चाहता हूँ किसी के साथ हमें हमारा कोई जाति मसला, कोई जाति काम या कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं और बरमला कहेंगे कि आप लोग जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में लोगों को धोखा दे रहे हो और प्रो ऑक्यूपेशन हो, आप हिंदुस्तान के फौजी कब्जे की हिमायत कर रहे हो, आप हिंदुस्तान के फौजी कब्जे को सपोर्ट कर रहे हो, आप यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन भी रहते हो, चेयरमैन भी हो और लोगों से कहते हो हमें वोट दो, हम मसले कश्मीर हल करेंगे। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि 40 सीटें दो, मैं मसले कश्मीर हल करूंगा, और दूसरे दिन फरमाया उन्होंने कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल भारत के आईन के दायरे में होगा। हुआ ये तजाद जो आप बता रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई भी प्रो ऑक्यूपेशन पार्टी मसले कश्मीर को हल नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना चाहिए। इनके धोखों और इनके फरेब में नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ आपको धोखा देते हैं। और ये जब कहते हैं कि मसले कश्मीर हल किया जाए, हम चाहते हैं इसको हल किया जाए, उनका मतलब यही होता है, एक ही मतलब कि स्टेटस को बहाल रखा जाए, यानी जो कितनी सूरत हाल जो है, जो इस पाकिस्तान के पास है, जो भारत के फौजी कब्जे में है, इसको रहने दिया जाए और इसी पर मसले कश्मीर को हल किया जाए। मैं इस अजीम इज्तिमा में उनको बता देना चाहता हूँ और आपकी वसादत से दुनिया तक भी ये बात, दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग बेका नाकारा बना दिए गए हैं, एक ये इस पर भी वो कब्जा जमाना चाह रहे हैं। यहाँ बिजवाड़ा तहसील में 896 कनाल जमीन भारतीय फोर्सेस ने खरीद ली है, तब खरीदी है 1980 में जब यहाँ मरहूम शेख साहब की वजारत थी और वो वजीर आला की हैसियत से हमारे सरों पर सवार थे। उन्होंने ये 896 कनाल जमीन आर्मी के हाथ में फरोख्त की है, जैसा कि राइजिंग कश्मीर में पहले न्यूज आई थी भाई यहाँ वो कंटोनमेंट बनाना चाह रहे हैं, दूसरे रोज आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया हमने ये जमीन खरीदी है। और इसी तरह जहाँ कहीं ये लोग काली जमीन देखते हैं उस पर कब्जा करते हैं। आप याद करें इसराइल की भी बराबर यही पॉलिसी है, आज ही आपने सुना होगा इसराइल फलस्तीन की जमीनों पर 1000 मकाना बनाने जा रहे हैं जबरन, और यही जबर भारत भी यहाँ कर रहा है, जबरन हमारी जमीनें छीन रहा है और हमारे मुस्तकबिल को तारीख बना रहे हैं। यहाँ आपके शुक्रन के जिले में मैंने बार बार कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में मैंने कहा है कि 5200 कनाल जमीन फॉरेस्ट जैन भारत ने, भारतीय फोर्सेज ने कब्जे में ली है।
बताओ ली है या नहीं? हाँ जरूर। ईरानी को गलत हिसाब से नहीं कर रहा, 5,250 और इसकी तारबंदी भी हो रही होगी, और फिर उसमें बंगाल के माइन जो है उनका कहना है कि 3 लाख से 4 लाख तक जंगलात के दरख्त कटेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान है। ऐसी हुकूमत है जो हमारी प्रॉपर्टी का तहफ्फुज़ ना कर सकी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह आबी वसाइल जो हैं उन पर जो बिजली के प्रोजेक्ट बनते हैं, वो बिजली के प्रोजेक्ट, बिजली जो पैदा होती है अक्सर बेशतर दिल्ली ले जाई जा रही है, और फिर वहाँ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और दूसरी रियासतों को उनकी तरसी और सप्लाई की जाती है, और यहाँ के आवाम खासतौर सर्दी के मौसम में तरसते रहते हैं। इस तरह हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो सरमाया है, जंगलात की हैसियत से, आदि वसाइल की हैसियत से, जमीन की हैसियत से, और वो भी हमसे छीना जा रहा है। इन हालात में आपको हमारा कोई हक नहीं बनता लोगों को हमसे वोट मांगने आते हैं, इसीलिए हमने बैकआउट के लिए कहा। कुछ लोग कहते हैं, जैसे डीसी साहब ने भी गुजस्ते दिनों कहा कि भाई ईरानी बहुत वोट की सरकार बैकआउट की अपील देता है, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता। उन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मिसाल दी है। मैं आपको कहूंगा कि इनके जो कर्तव्य होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, वो बड़े निराले कर्तव्य होते हैं। एक ही घर में दामाद को भी उम्मीदवार बनाते हैं, बीवी को भी बनाते हैं, भाई को भी और बहन को भी और ससुर को भी और दामाद को भी, सबको बनाते हैं उम्मीदवार, ताकि एक ही घर के सारे लोग वोट मांगने जाएं और फिर लोग मजबूर हो जाएं। इस बार मैं आपको कहूंगा कि हमारी अपनी भी कमजोरी है, बताओ कमजोरी है या नहीं? बताओ दोनों दोनों हाथ। आप इस कमजोरी को दूर करने के लिए तैयार हो? आज करो अल्लाह ताला के साथ कि ये कमजोरी दूर हो जानी चाहिए। हम एक तरफ कहते हैं हम क्या चाहते हैं आजादी, और जब इलेक्शन का बिल्कुल बचता है हम कहते हैं हम क्या चाहते हैं ट्रांसफार्मर। जो तादाद हम में है, अमल का तादाद, इससे हमें दूर रहना है, इस तादाद को हमें दूर करना है। मैं आपसे आज लेना चाहता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की वोट नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आज करो बराबर की है, कैसे घरों में जाओगे बताओ? लाठियां लेकर नहीं, पत्थर लेकर नहीं, रोकथाम करके नहीं, अखलाक से, शराफत शराफत से, हमदर्दी से, दिली जज्बे के साथ उनको समझाओ, उनको समझाओ। देखो हमारी मजलूम कौम ने कितनी अजीम कुर्बानियां दी हैं, हमें इन कुर्बानियों पर पानी नहीं डालना वोट का इस्तेमाल करके। इसलिए ये मेरी दुश्मनाना अपील है, आज ही से ये मुहिम चले, और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए, कुछ लोग आपसे कहते हैं, अभी मैंने एक टीडीपी के एक लीडर साहब का बयान पढ़ा अखबार में, वो कहते हैं कि देखो ईरानी साहब की जो ये बैकआउट अपील है उससे नेशनल को फायदा पहुंचता है, और उन्होंने ईरानी को अपील की है कि अगर आप लोगों को जुल्म और जबर से बचाना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन बैकआउट की अपील नहीं करनी चाहिए। उनके फरमाने का मकसद ये है कि सिर्फ जुल्म सिर्फ नेशनल कर रही है या कांग्रेस कर रही है, और जहां तक मुफ्ती साहब की पार्टी का ताल्लुक है वो फिरिश्तों की पार्टी है, और वो जरूरी कर रही है, वो जरूरी कर रही है। हमारी बातों में बहुत ही संजीदगी होनी चाहिए, छेन छिन करने से क्या हो,
भी आप किसी कैंप पर पहुंचाते हो तो गो गो इंडिया गो गो इंडिया गो, ऐसे इंडिया नहीं जाने आपके नाम। आप जरा सलीका पैदा करिए। हम उनको बता रहे हैं भाई तुम लोग सिर्फ फिरिश्ते नहीं हो, जैसे नेशनल है, जैसे कांग्रेस है, जैसे अपनी पार्टी है, हम तुम्हारी अपनी पार्टी है। मैं पीडीपी वालों से कहूंगा यहां कुपवाड़ा जिला में बद्राताई एक बस्ती है, हमारे मुफ्ती साहब वजीर आला थे, बद्राताई में 7 नवंबर को 2005 को 10 साल की बेटी और उसकी मां दोनों के एक दूसरे के सामने अस्मदरी की, बेटी की भी और मां की, विजय उस मेजर का नाम था। तो 11 बजे अब्दुल रशीद के घर में दाखिल हुआ और पहले 10 साल लड़की की इज्जत लूटी मां की निगाहों के सामने और फिर उसकी मां की। दूसरे दिन मुफ्ती साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उस वक्त जो भारत के वजीरी दाखिला थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मुफ्ती साहब को अपनी एजेंसियों के जरिए इतला मिली ये जो बजरा पाजी का वाक्य है वहां खातून बड़ी खातून की इज्जत टूटी गई है, कन्फर्म हुआ है, लेकिन बेटी की नहीं। दूसरे दिन हम गए वहां, सबसे पहले हमने बहुत ही नाजुक हालत में 10 साल की बेटी को देखा, पहले उसकी अस्मत अस्मत टूटी गई। मैं मुफ्ती साहब से कह देना चाहता हूं, क्या आपकी कोई गैरत नहीं थी अगर उस खातून की अस्मत तरी की कंफर्म रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई, क्या आपका आपको देख देता था आप कुर्सी पर बैठी? अब वजीर हिंदुस्तान के वजीर डॉक्टर के सामने बैठकर इसको ठंडे पेट से बर्दाश्त करें? अगर आप में गैरत होती, अगर आप में इस कौम के साथ कोई मोहब्बत होती, आप किसी वक्त कुर्सी वहां के वजीर भारत के वजीर डॉक्टर को हम हवाला करके आप कैसा देते? इस मौके पर बड़ा दर्दनाक बड़ा शर्मनाक बड़ा निर्दोष वाक्य था। और ऐसे ही कौन से ऐसे वाक्यात दोस्तान से वफादार बनकर जिंदगी गुजारते हैं, इंतजार की कोशिश पर करते हैं। आप दिल्ली में वजीर दाखिला थे, वजीर दाखिला थे आप, यहां आपका पिस्तादा जगमोहन गवर्नर था। 25 जनवरी 2009 को वहां एक अवामी जलसा होने जा रहा था, हमारे मोहतरम सराई साहब को वहां खिताब करना था, पुरामन जलसा था, वहां गोलियां चली, जलसा नहीं होने दिया गया, 22 लोगों को शहीद कर दिया गया। आप दिल्ली में बैठे, 93 में कुपवाड़ा में 27 जनवरी को 26 जनवरी के हड़ताल के इंतकाम में 27 को वहां 24 लोग शहीद कर दिए गए। तरह का 1993 का वाक्य, इसी तरह गांव कदर का वाक्य, इसी तरह चटी सिंहपोरा का वाक्य, जहां 35 लोगों को कत्ल किया गया बेरहमी के साथ, फिर 5 जवानों को पकड़कर कहा गया कि ये फॉरेनर थे, फिर जब उसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ कि वो लोकल थे, वहां 8 अफराद शहीद किए गए। गोया क्लिंटन को जो उस वक्त दिल्ली में थे ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कोई आजादी की सुविधा की कॉमिनल स्टेट है, उसको ये दिखाने के लिए 48 लोगों को शहीद किया। कितने लोगों को? 35, 5 वो जवान लोकल और 8 जलसे में कितने हो गए? 48 हो गए। आप किससे जानते हो? ये 48 शहीद किए गए।
और जगदार भी साफ किए जा रहे हैं, आदि वसायल भी हमसे छीने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो हमें अजीम सरमाया जो हमसे छीना जा रहा है वो हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारी इफ्फत, हमारा अखलाक, हमारी रिवायात, हमारा कल्चर और हमारी तहजीब हमसे छीनी जा रही है। बताओ यहाँ शराब आम हो रही है? हो रही है नहीं? अरे बताओ कौन कर रहे हैं? हुकूमत कर रही है। दस साल आपने सुना होगा विरोध साहब जो वजीर खजाना है उन्होंने फखर के साथ कहा कि गुजशत साल हमको सिर्फ ये जो टैक्स है एक्साइज टैक्स उसमें 10 करोड़ आ गए, लेकिन अब के हमको 20 करोड़ एक्साइज टैक्स आ गई। वे हराम शराब दुगनी हो गई, शराब को फैला रहे, मनुष्यात को फैला रहे, वो एजुकेशन को फैला रहे, हमारी लड़कियों को हिंदुस्तान की सैर करने के लिए भेजाया जा रहा। और आज मैं आपको बताऊंगा, आप याद रखें कि ये जो सीआरपीएफ या पुलिस ये जो बेल्ट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं या मिर्ची गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालत में इसके खिलाफ अपील गई कि भाई ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इसको जायज करार दिया, हाँ ऐसा होना चाहिए। गोया हम कहते हैं अदालत को कि ये जो गन बेल्ट है, बेल्ट गन है या जो मिर्ची गैस मिर्ची है, मिर्ची गैस है, वो हमारे जवानों पर फेंका जाता है, उससे हमारे जवान निशाना बनाए जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, उसकी आंखें जाती हैं, उसके आजू बेकार हो जाते हैं, और इसको कानूनी जवाब देना ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है इंसानी हकूक, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ऐसे कानून को काले कवानीन को जवाब करा देना। सारे दोनों कि हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं अल्फाज में, अदालतों को हर हाल लोगों के खासा इंसाफ करना चाहिए। लोग अदालतों में इसलिए जाते हैं ताकि उनको इंसाफ मिले, लेकिन यहाँ की अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए दूसरा डिसीजन वो इससे भी ज्यादा अहम है, वो ये है एक जज साहब ने डिसीजन दिया है कि हिंदुस्तान में ना हिंदुइज्म होगा, ना मुस्लिमिज्म होगा, ना सिखिज्म होगा, ना बौद्धिज्म होगा, ना क्रिश्चियनिज्म होगा, कोई इज्म नहीं होगा, ये सारे इज्म हम खत्म करेंगे, एक ही इज्म होगा इंडियन इज्म। क्या इज्म होगा? इंडियन इज्म। ये इंडियन इज्म का सिद्धांत किया गया है, असल में ये हिंदुइज्म, असल में ये, लेकिन हिंदुइज्म का अलग नाम दिया गया ताकि इस पर पर्दा रहे, ताकि इस पर पर्दा रहे। इंडियनिज्म, इंडियनिज्म का मतलब है कि जो हिंदुइज्म है उसको लोगों पर मुसलत किया जाए, और मुस्लिमिज्म हो या किसी और मजहब का सिस्टम हो उस सब को खत्म किया जाए। ये ज़हनी इर्तिदाद है, ये मुर्तद होना है ज़हनी लिहाज से कि इस्लाम को इस तरह गायब करने, इस तरह वतनियत पर इसको कुर्बान करने का ऐलान किया जाए और फैसला किया जाए इस नौयत का, हम इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ना सिर्फ मजम्मत बल्कि इसको हम किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे, वतनियत पर इस्लाम को ये कुर्बान करना ये हमें इंशाअल्लाह किसी हाल में नहीं होगा, और फिर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, और अपनी ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। राजा पुत्र तेरे हाथों में, अरे बैठो और बैठे और रुमाल वाले, और रुमाल वाले, और रुमाल वाले,
मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आजम ने तुरस्पाए सनम, और इम्ताज खुदा हूं मैं बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन किसका है वो मजहब का कफन है। आज इस जज साहब ने हमारे दीन पर कफन लगा दिया कि वतनियत को कबूल करो, वतन ही तुम्हारा दीन है, और जो वतन की तहजीब है उसको कबूल करो, अपनी तहजीब को भूल डालो, अपनी तहजीब को ऐसे पुष्ट डाल दो। ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह अपनी तहजीब की हिफाजत करें। वतनियत, वतनियत बहुत बड़ा भूत है। वतनियत क्या है बताते ही समझे हो? पहले वतनियत नहीं, वतनियत भूत है। हम इसको पास पास कर रहे हैं। क्या बोलेंगे हम? देरी जान, देरी जान, सबसे पहले सबसे पहले इस्लाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जवान डिसिप्लिन पैदा करें, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी हो, इंशाल्लाह करेगा सही तर्जुमानी, सही तरीका की रानी, इस दौर का गाजी गिलानी, इस दौर का गाजी गिलानी, चुपियन का गाजी गिलानी, चुपियन का गाजी गिलानी, डाउनटाउन का गाजी गिलानी, डाउनटाउन का गाजी गिलानी, इस दौर का गाजी गिलानी, जम्मू का गाजी गिलानी, लद्दाख का गाजी गिलानी, भारत पे वारी गिलानी, एनसी पे वारी गिलानी, पीडीपी पे वारी गिलानी, कांग्रेस पे वारी गिलानी, बीजेपी पे वारी गिलानी, मुंडा 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 पे वारी गिलानी, लोर का गाजी गिलानी, जिस हुर्रियत पे गिलानी साहब नहीं हुर्रियत हमें मंजूर नहीं, जरा पिल्ले सावे जरा।